हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली 10-12 दिन से फीवर था और थ्रोट प्रॉब्लम भी थी, इसीलिए वीडियो लेकर नहीं आया था, लाइव लेकर आया था। तो लाइव आप लोग ने देखा ही होगा। तो आज यहाँ पे मैं वीडियो लेकर आया हूँ आइडम्स एंड फेसेस का। तो ये जो चीज है आइटम फेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो 100% रखे हैं 7 to 8 आइटम फेसेस जो आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई आ जाए, क्योंकि तो बार बार ये पूछा गया है, इन लोगों के बारे में पूछा गया है, इन सेंटेंसेस के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बने रहिएगा, और जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर आइटम्स एंड फेसेस। पहला है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट इट्स मीन, क्या मतलब होता है व्हाइट एलिफेंट? वेरी एक्सपेंसिव बट अ पॉपर। तो यह मतलब क्या हुआ? बहुत कोई महंगी चीज हम कार ले आए, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, कार लेकर आए, बहुत महंगी कार ले आए, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो महत्व है कम है, उसको यूज नहीं कर सकते ज्यादा। तो यहाँ पे देखो मीनिंग भी मैंने लिखी है, वेरी एक्सपेंसिव बट अ पॉपर, बहुत खर्ची नहीं लेकिन कम महत्व की, यानी कि बहुत महंगी चीज है और महत्व उसका बहुत कम है। हम डेली घूम नहीं सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, वही बाइक और वही बाइसिकल यूज करते हैं मिडिल क्लास आदमी। तो इसको ब्यूटीफुल वे में हमने सेंटेंस कैसे बनाया? और आपको बेटा आइटम फेसेस में सेंटेंस ही बनाने को आएगा। आपको जब वर्ड दिया जाएगा, सपोज व्हाइट एलिफेंट आपको दे दिया गया, तो आपको वाक्य प्रयोग बनाना है, यानी कि यू हैव टू मेक द सेंटेंस ओनली। तो यहां पर देखिए क्या मैंने सेंटेंस बनाया, अ कार इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, है ना बात सही? अ कार इज अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की, बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। तो यही ने सेंटेंस बनाया, अ कार इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। थोड़ा घर में अभी प्रॉब्लम है, लेकिन माइंड करिएगा, आप अपने पढ़ाई में फोकस रखिएगा कि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, कुछ बेटर में भी एक्सप्लेन कर दूं, ये मेरी इच्छा रहती है। सेकेंड वन, सॉरी, टेक टू द हील। टेक टू द हील मीन्स क्या होता है? टू रन अवे, भाग जाना। तो यहां पे आपको मिलेगा टेक टू द हील, क्या मिलेगा? टेक टू द हील आइडम फेसेस बोला गया। तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसकी मीनिंग तो पता कर ली, टू रन अवे भाग जाना, अब सेंटेंस में क्या कैसे बनाओगे? तो इसमें दिया है द थीफ, ही जानते ना चोर, द थीफ हैड टेकन टू द हील बिफोर द पुलिस केम। ओके माय डियर, द थीफ हैज टेकन टू द हील, हील मतलब भाग जाना, तब बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले वो लोग भाग गए। तो ये सेंटेंस आपको बनाना होगा, बहुत बार आया, देखा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप अवॉइड ना करना, अरे सर तो 8 ही बता रहे हैं, इतने सारे पढ़ने होंगे, थोड़ा तो यार क्या करूं। तो ये चीज आपने थोड़ा थोड़ा करेंगे, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो यहां भी हमें बूंद बूंद से पढ़ाई शुरू करनी है। तो यहां देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो इसकी मीनिंग क्या होती है? इधर उधर, टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इधर उधर भटकना, इधर उधर टहलना, तो यही चीज होती है टू एंड फ्रो। आपको लिख के आएगा और आपको बोला जाएगा सेंटेंस बनाकर, क्लियरिफाई के लिए सेंटेंस बना लेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे पक्का, ठीक है? तो ये आप देखते हैं क्या सेंटेंस बनाया, द पुलिसमैन वॉज वॉकिंग
टू एंड फ्रो इन द स्ट्रीट एट नाइट, तो बात फैक्ट है, रात में इधर उधर जो पुलिस मैन है वो वॉक करते हैं, इधर उधर टहलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा के लिए रात भर वो जगते हैं और सतर्क रहते हैं, कोई रॉबरी ना हो, कोई चोर ना टहल रहा हो, कोई किस कोई टहल रहा है, भूल गया है, स्टे कर रहा है, तो उसको उस जगह पे पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बहुत प्यारा बना दिया, पुलिस मैन वॉज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द स्ट्रीट एट नाइट। ओके माय डियर, क्लियर हो रहा है? तीनों क्लियर हो गए। चौथे पे आ जाते हैं, रेड लेटर डे, आपने सुना होगा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे। आपकी लाइफ में बहुत से डे होते हैं, किसी का भाई फेस्टिवल एनिवर्सरी होती है, पापा मम्मी की एनिवर्सरी हो रही, स्पेशल डे है, इम्पोर्टेंट डे है ना, तो रेड लेटर डे एन इम्पोर्टेंट डे क्या होगा? महत्वपूर्ण दिन। कौन सा इंपॉर्टेंट दिन? देखो एक सेंटेंस प्यारा सा बनाया, क्या द 15 अगस्त है ना 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है ना, सही बात। तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एनी प्रॉब्लम बेटा? क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा कि आइडल फेसेस पेपर में पूछा जाएगा, तो हमें यहाँ वर्ड दिए जाएंगे और वर्ड के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस फ्रेम करना होगा, बिकॉज सेंटेंस को बनाना होगा, हमें हिंदी मीनिंग नहीं दी जाएगी, हमें प्रिपेयर करना होगा, एक बार जरूर देखना पड़ेगा कि इसकी मीनिंग होती क्या है और सर ने कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं, उसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा आपके दो नंबर पक्के। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी, इसकी मीनिंग रखते हैं नाउ एंड देन, सही बात, कभी कभी, नाउ अभी, देन नाउ एंड देन कभी कभी। तो अब यहां पर देखेंगे सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो यहां देखते हैं योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कौन? राम केम टू माय हाउस, मेरे घर आया, ऑफ एंड ऑन टू बोरो मनी, ऑफ एंड ऑन कभी कभी वो आता है और मुझसे पैसे लेता है, बोरो करता है। तो यहां पे सेंटेंस देखा ना बढ़िया था, तो यहां पे क्या सेंटेंस था? ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन कभी कभी। तो यहां पे बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें सेंटेंस बनाना है, योर फ्रेंड राम केम टू माई हाउस ऑफ एंड ऑन टू बोरो मनी। एनी डाउट बेटा? गले में प्रॉब्लम है, माइक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, सामने लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, सपोर्ट करिए, लाइक जरूर करिएगा। सिक्स पे आ जाते हैं, सिक्स देखो क्या कहता है, निप इन द बड, निप इन द बड आरंभ में ही नष्ट करना, मतलब पहले से हमारी बुराई जो है, हम वहां पे स्कूल में जा रहे हैं तो हम जितने भी बुराइयां हैं हमें वो खत्म करके आगे बढ़ना है। तो यहां पे देखिए निप इन द बड, क्या लिखा हुआ, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, पहले ही खत्म करें। कोई चीज होती है ना, टीचर आते हैं क्लास में और बच्चा कुछ खुश खुश लिखा तो उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और छिपा लेते हैं, समझे, पहले से ही, और अलर्ट रहते हैं कि आप सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, निप इन द बड टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना, कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस बिल्कुल प्यारा सा बना है, All the bad habits, all the bad habits must be nipped in the bud. यहाँ पे जितनी बुराइयां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उसको प्रारंभ में ही नष्ट कर दो। तो हमने यहां लिख दिया All the bad habits must be nipped in the bud. Now move on, seventh one. Seventh one बहुत ही important है बेटा, बहुत ज्यादा important है, kit and kin. किट एंड किन रिलेटिव, किसको बोला गया? अपने रिलेटिव को बोला गया है, किट
एंड किन, तो यहां पे बोला गया संबंधी, रिलेटिव को हम बोलते हैं संबंधी। तो अब उसके लिए सेंटेंस हमारा क्या होगा, वी मस्ट डिपेंड अपॉन आवर किन एंड किन। हम लोग डिपेंड रहते हैं, संबंधी होते हैं, यार दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन पे डिपेंड रहते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, रिश्तेदार को बोलते हो कि मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई हमें अपने लड़कों की शादी करानी है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं और किसी ना किसी रूप में वो हेल्प करते हैं जो हमारे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस बोला, वी मस्ट डिपेंड अपॉन आवर किन एंड किन इन आवर डिफिकल्टीज। अपनी मुसीबत में ये जो हमारे संबंधी हैं वो हेल्प करते हैं, डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में आ जाते हैं एक वाले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कहता है लॉइन शेयर क्या है, द लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा भाग। अब कहते हैं ना, कभी बंटवारा होता है फैमिली में, बंटवारा होता है तो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है बड़े भाई को दे दिया गया, फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबसे सबसे ज्यादा पार्ट मिलता है। जैसे कहते हैं ना, कोई कंपनी होती है अडानी कंपनी है, उनमें हिस्सा अडानी का बहुत ज्यादा है और लोगों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। जो सबसे ज्यादा हिस्सा जिसके पास होता है उसको बोला जाता है लॉइन शेयर, द लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा भाग। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो मैंने सेंटेंस को कैसे क्रिएट किया है, बनाया है, सतीश गॉट द लॉइन शेयर इन हिज फादर प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी से उसको लार्ज शेयर मिला, सबसे ज्यादा शेयर मिल गया, सबसे ज्यादा हिस्सा मिल गया। तो यहाँ पे सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एक चीज याद रखिएगा, ये 1, 2, 8 जो है आइटम पेसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा थोड़ा ये तो रहता ना, बहुत से बच्चों का थॉट रहते हैं सॉरी कि ये 8 तराए हैं, छोटा वीडियो है मत देखो, तो ज्यादा तराए उनके वीडियो देखेंगे ज्यादा फंसेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़े थोड़े लेकर ही आता हूँ जो वीडियो में, और छोटा वीडियो होता है, अगर थोड़े थोड़े तैयारी करेंगे तो आपकी बोर्ड तक तैयारी हो जाएगी। और लगभग लगभग हम तैयार कर लेंगे 40 to 50 आइटम पेसेस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को देखिए और जो वीडियो चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू, लव यू ऑल।